हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ फायर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनामियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठेंगे, एक बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अपने पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल छोटे से डिवीजन के साथ में। तो जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, सबको डिवाइड करना आता होगा। जैसे आ जाए डिवाइड करने के लिए कि 126 डिवाइड बाई 5 करना है। 126 को 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं नॉर्मली 5 टू जा 10 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और 6 को नोट करेंगे तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितनी बार जाएंगे, 5 जा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं। देखिए जब आप लोग डिवाइड करते हैं, अगर कोई पूछेगा आंसर चेक करिए, क्या करिए आंसर को चेक करेंगे। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको ऐड करेंगे तो ये 126 के इक्वल आएगा। 126 इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 25 या फिर 5, चलिए 5 × 25 प्लस 1 कर देते हैं। तो 126 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 25 प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से हम लोग आंसर चेक करते हैं। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई में 1 को ऐड करेंगे 126 आ जाएगा, तो मतलब हम लोग का डिवीजन सही है। और अगर हम लोग करेंगे तो 126 ही आएगा। तो 126 को 5 × 25 प्लस 1 इस तरीके से राइट करते हैं। अब चलिए देखते हैं, अगर हम लोग ये जो है 126 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और ये होता है डिविडेंड हो जाएगा ना, ये डिविडेंड हो जाएगा। और इसको बोलते हैं डिवीजर, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोले या फिर डिवीजर। और ये होता है हमारा क्वोशेंट। और नीचे वाला क्या होता है, जो वन आता है वो होता है रिमाइंडर, वो क्या होता है, रिमाइंडर। समझ में आया, ये क्या हो गया, रिमाइंडर। जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर या फिर डिवीजर बोले, क्या बोले, डिवाइजर या फिर डिवीजर। और जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जो हमारा ऊपर आता है, जितनी बार डिवीजन गया होता है, जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं, वो क्या होता है, कोशियंट होता है। और जो हमारा नीचे बच जाता है वही क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। क्लियर। अब देखिए जो 126 है उसको हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू, यहां पे अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड और इक्वल टू 5 क्या है, डिवाइजर 5 क्या है, डिवाइजर या फिर डिवीजर। तो यहां पे डिवीजर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 25, और 25 क्या है, हमारा क्वोशेंट है। तो इनटू क्या करेंगे, 25 यानी क्वोशेंट और प्लस किसको करेंगे, रिमाइंडर को। तो यही होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम रूल जो होता है, वो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आया, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम रूल या फिर डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम बोल दें, ये क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम होता है। अब इसी तरीके से हम लोग पॉलिनामियल को भी डिवाइड करते हैं, इसी सेम तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनामियल को डिवाइड करते हैं। चलिए एक ठो और हम आपको दिखाते हैं, इसी तरीके से हम लोग लेते हैं एक ठो एग्जाम्पल। जैसे हम लोग 35 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35,
और ये सब्ट्रैक्ट होने पे कितना आ जाएगा, जीरो। कितना आ जाएगा, जीरो। तो हम लोग अगर इसको इस फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस वो इक्वल टू 35 इक्वल टू 5 इंटू सेवन, रिमाइंडर कितना आया है, जीरो। रिमाइंडर कितना आया है, जीरो आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। जब रिमाइंडर जीरो आएगा तो अगर जीरो को नहीं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 इंटू सेवन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू सेवन। और ऐसा कब हुआ, जब रिमाइंडर कितना आया, जीरो आया। तो इसको हम लोग ये देख के बोल सकते हैं कि 5 जो है वो 35 का क्या है, एक फैक्टर है। जो 5 है वो 35 का फैक्टर है, और जो 7 है वो भी क्या है, 35 का फैक्टर है। 35 का क्या है, फैक्टर है। और 5 जो है 35 का फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। जब रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। यानी इसके इसके जो दोनों फैक्टर हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे रिमाइंडर समथिंग हो जाए तो सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 35 नहीं आएगा, समझिए। यहाँ पे अगर मान ली 36 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 36। अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम लोग यहाँ पे 36 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। तो 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू सेवन प्लस 1, ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 5 इंटू सेवन प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 1। रिमाइंडर कितना है, 1। रिमाइंडर कितना है, 1। अब देखिए जब रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया तो हम लोग नहीं बोल सकते कि 5 जो है 36 का फैक्टर है, 7 जो है 36 का फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 36 नहीं आता है, आता है नहीं आता, कितना आता है, 35 आता है। तो जब रिमाइंडर 0 होता, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 हुआ, तो हम लोग बोलेंगे 5 और 7 ये दोनों 35 के क्या है, फैक्टर है। ये दोनों क्या है, 35 के फैक्टर, समझ में आया। तो अगर यहीं पे ये जो रिमाइंडर आया हुआ है, अगर ये कोई पॉलिनामियल में डिवीजन हो रहा है और ये रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो, तो हम लोग बोलेंगे जो डिवीजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है, जो कोशियंट है वो भी क्या है, डिविडेंड का फैक्टर है। समझ में आया अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देख लीजिए, अगर रिमाइंडर क्या होगा, जीरो, अंडा, क्या होगा, अंडा, तो ये रिमाइंडर हट जाएगा तो डिवीजर इंटू कोशेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड। इसका मतलब डिवीजर इंटू कोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिविडेंड आ जाएगा। तो इसी का मतलब कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है, जो कोशेंट है वो डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है। और इसी पे हम लोग, आपको मैंने सिखा दिया, अब हम लोग पॉलिनामियल पे आते हैं और पॉलिनामियल को समझते हैं कि वो किस तरीके से डिवाइड होता है। तो वहाँ पर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर आपको नोट करना है, समझना है तो कर ले, या फिर एक लोग देख लिए हैं आप लोग, अगर जिसको ना समझ में आया होगा थोड़ा सा भी, थोड़ा सा पीछे जाइए, क्लियर हो जाएगा। समझ में आया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि पॉलिनामियल का डिवीज़न कैसे होता है। आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा अच्छे से कि कैसे होता है। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से, डिवाइड करना, इसे डिवाइड करना है x प्लस 2। देखिए डिवीजन करने का मतलब यही होता है, देखिए हम लोग अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है कि ये जो टेबल है ये अगर ऐसा हो कि 5 का कुछ भी मल्टीप्लाई करे 12 आ जाए, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर, मतलब चाहेंगे कि वो जल्दी से हटता जाए, कटता जाए, यही हम लोग चाहते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है ये 5 है तो यहाँ पे 12 है तो 5 बस एक बार जाना है। अरे जहाँ तक जाएंगे अगर बराबर तक आ रहा है तो ठीक, नहीं तो क्या हो गया, उससे कम ही आएंगे। तो ऐसे यहाँ पे भी करना होता है कि x प्लस 2 है और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना है, 1।
हम लोग का मोटिव यही रहेगा कि इस 2x स्क्वायर को कट कैसे किया जाए, हटाया कैसे जाए। तो देखिए इस x में क्या मल्टीप्लाई करें, इस x प्लस टू में, या फिर x में ही समझिए, x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। देखिए x में किसका मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, 2x स्क्वायर आ जाए। अब बताइए x है तो 2x का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी वही होगा, इस पूरे x प्लस टू में 2x का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो 2 देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि 2 को छोड़ देंगे, प्लस है तो प्लस 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 लिखेंगे, 2 जा 4x हो जाएगा। समझ में आया, इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग इतना करने के बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, लेकिन ये तो पूरा एक टर्म होगा ना, ये तो आपका दो टर्म मिलके एक बन जाएगा। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। समझिए जैसे 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस x है, अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स। ऐसे होता है तो ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में और यहाँ पर प्लस है तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये दोनों कट जाएंगे। देखिए प्लस 3x है माइनस 4x, ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस एक्स और 1 को हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 को नोट कर लेंगे। क्लियर एवरीवन, बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे माइनस एक्स है, तो हम लोग x में किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स आ जाए, बताइए। बोलेंगे माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस का डायरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ माइनस वन कर देंगे, क्योंकि माइनस वन करने पे वही आ जाएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे, माइनस वन और फिर प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे जैसे हम लोग माइनस लगाते हैं यहाँ पे, तो जब माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस, ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस क्या आएगा, रिमाइंडर, यही आएगा ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और आपका डिविजर, डिविजर कितना है, वो है x प्लस 2 है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 3 है। समझ में आया, रिमाइंडर कितना है, 3 है, और कोशियंट कितना है, कोशियंट है 2x माइनस 1। समझ में आया। अब देखिए इतना हो गया, तो इतने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे हम लोग यहाँ पे नीचे राइट कर सकते हैं। तो ये था डिवीजन, मैंने आपको समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से, एक थोड़ा हल्का और मतलब जो रेंज है उसको थोड़ा इंक्रीज करके मैं आपको समझाता हूँ, उसमें बच्चों को डाउट होता है लेकिन जिस तरीके से समझाऊँगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको नोट करना हो तो नोट कर लेंगे, मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक पॉलिनामियल है, एक पॉलिनामियल है 2x के पावर 4, px इक्वल टू कितना है, 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर और फिर है प्लस 6x और माइनस 2। हमारे पास एक पॉलिनामियल पी एक्स इक्वल टू इतना है और एक पॉलिनामियल है वो है जी एक्स, वो है जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। समझ में आया, इस तरीके से पॉलिनामियल है। क्लियर है,
तो इसी पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है और बताना है कोशेंट और रिमाइंडर कितना आएगा। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा जी एक्स है, देखिए जो पी एक्स में जो पावर का जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर 4, 3, 2, 1, 0। क्लियर, बस ऐसे। अब यहाँ पे 2 के बाद क्या आ गया, 0 आ गया, 1 नहीं आया। तो 1 को बनाइए आप लोग, इसको करिए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2 कर लेंगे। इस तरीके से कर लेंगे तो गलत होने का संभावना जो होता है, चांसेस जो होता है वो एकदम नहीं होगा। समझ में आया, तो इस तरीके से हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे सबको डिवाइड करते हैं इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो चलिए भाई डिवाइड करते हैं अपने डिवीजन को। तो यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे, डिवीजन में क्या है, 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 2 है। क्लियर। और gx कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 2। ऐसे लेके चलते हैं, अगर आप इसको नहीं लेंगे तब पर भी होगा, लेकिन तब कंफ्यूज, तभी तो कंफ्यूजन होता है जब आप इस तरीके से मान के नहीं चलते हैं। चलिए अब करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है 2x के पावर 4। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि कितना आ जाए, 2x के पावर 4 आ जाए। तो बताइए किससे करना है, 2x स्क्वायर से। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2x के पावर 4 प्लस 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 0 इंटू 2 0 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। क्लियर, ये ऐसे लिखते चलते हैं हम लोग, माइनस प्लस माइनस और 2 जा 4x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट जाएगा। देखिए इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो माइनस 3x क्यूब को ऐसे नोट कर लीजिए, माइनस 3x क्यूब को ऐसे नोट कर लीजिए। और फिर क्या करते हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन उसी का लगेगा जो बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर। अब 6x को नोट कर लेते हैं, 6x को हम लोग क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। समझ में आया, इतना कोई डाउट नहीं होगा आपको। समझ में आया, यहाँ पे साइन क्यों चेंज हुआ, जैसे डिवीजन करते हैं तो मैंने आपको दिखाया जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे साइन क्या होते हैं, जब ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है माइनस 3x क्यूब, और एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x क्यूब आ जाए। बताइए एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x क्यूब आ जाए, तो माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, माइनस 3x से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में 3x लिखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 6x कितना हो जाएगा, 3 2 6x हो जाएगा। क्लियर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इस तरीके से बनाइए, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में, जो माइनस में है प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में, ये कटेगा, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। अब 2 को नोट करते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर, अभी तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, वो तो कट गया। अब देखिए हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे प्लस 1, तो 1 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चलिए 0 हो गया, ये पूरा समझिए 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा प्लस ये, साइन चेंज हुआ, दोनों कट जाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। समझ में आया, कोशेंट कितना आया, 2x स्क्वायर
माइनस थ्री एक्स प्लस वन, रिमाइंडर कितना आया? जीरो। तो आई होप कि इस तरीके का डिवीजन करना आप लोग को समझ में आ गया होगा। डिवीजन करने से पहले सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर लेना है। जो पावर सबसे बड़े जो सबसे एक्स जो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर रहेगा उसको पहले, फिर उससे छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, और फिर जब यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो यहाँ पे जीरो इंटू एक्स कर लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर इसके बीच में क्या लिखें क्या लिखें, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं अगले एग्जाम्पल को, अगले क्वेश्चन को, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। रफ्तार तो एक एग्जाम्पल को हम लोग और लेते हैं, एग्जाम्पल क्या, एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज से हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का 2.3, तो हम लोग यहीं पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो आप लोग देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है दिया है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनामियल जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ सारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी का, डिवाइड द पॉलिनामियल्स पी एक्स बाई द पॉलिनामियल जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। जो पी एक्स है उसको जी एक्स से डिवाइड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर को पता करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है जैसे मैंने एग्जांपल लिया सेम वैसे ही है, तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, और जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो जी एक्स को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स माइनस टू करके हम लोग डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सेकेंड वाले को करते हैं। तो देखिए सेकेंड वाला जो है बीच में हम लोग किसको लिखते हैं, पी एक्स, किसको लिखेंगे, पी एक्स। और पी एक्स मैंने जब बताया जब लिखेंगे तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी अगर पहले एक्स के पावर फोर है तो क्या होना चाहिए, उसके बाद एक्स के पावर थ्री होना चाहिए। अगर पावर फोर है तो पावर थ्री, फिर पावर टू, फिर पावर वन, फिर पावर जीरो, इस तरीके से एक ऑर्डर में हम लोग राइट करेंगे। तो चलिए ऑर्डर में हम लोग इसको बनाते हैं, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब और माइनस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 4x, और 4x के बाद प्लस कितना हो जाएगा 5। ये हो गया, समझ में आया, हमने पी एक्स को यहाँ पे राइट कर दिया। अब जो जी एक्स है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, यानी पहले एक्स स्क्वायर है फिर प्लस वन फिर माइनस एक्स। तो इसको अरेंज करेंगे पहले एक्स स्क्वायर को फिर माइनस एक्स को फिर प्लस वन को राइट करेंगे। तो अरेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर दिए। देखिए वैसे भी कर लेंगे लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट जब कर लेंगे तो गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके मल्टीप्लाई पे ही डिपेंड करता है। अगर मल्टीप्लाई गलत करोगे तभी होगा गलत, बाकी वैसे गलत होने की जो प्लस माइनस से गलत कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स के पावर फोर बच जाए, किससे मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर में, देखिए इसको हटाना है। तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स के पावर फोर बन जाए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर फोर माइनस प्लस माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, समझ में आया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदलेगा, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा। एक्स क्यूब में जीरो एक्स क्यूब को ऐड करेंगे तो सिर्फ आएगा वो एक्स क्यूब ही आएगा वो, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं, बस हम लोग को
गलत गलत ना हो हमारा, इसलिए हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर और प्लस फोर एक्स को नोट कर लेते हैं। दिक्कत अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हो गया। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 और ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस था वो माइनस में, ये दोनों कट गया। माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर एक्स माइनस एक्स कितना होगा, प्लस में थ्री एक्स और फाइव को क्या करेंगे, नोट करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, फाइव। समझ में आया? अभी तक भी कोई दिक्कत परेशानी तो आपको होगा नहीं। चलिए भाई अब देखिए एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाए, तो माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, माइनस थ्री से, तो प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस थ्री और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, जो माइनस में था प्लस में, जो प्लस में था माइनस में, जो माइनस में था प्लस में, ये दोनों कट जाएंगे तो फाइव थ्री कितना आ जाएगा, एट। तो हमको डिवाइड करके बताना क्या है, रिमाइंडर बताना है, कोशेंट बताना है, तो आप लोग बता दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगा ना, क्योंकि सिंपल तरीके से एकदम सिंपल, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इसमें। समझ में आया? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझ में आया, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, कहे तो मैं आपको समझा दूं, आप लोग खुद ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे पहले आ गया x के पावर 4 और माइनस 5x, तो बनाना है कि x के पावर 4 प्लस 0x क्यूब और फिर क्या कर दे, इस तरीके से अरेंज कर देंगे। चलिए मैं अरेंज कर देता हूँ आपके सामने, अरेंज करके लिख देता हूँ और आप लोग कर लेंगे। चलिए px को लिखते हैं यहाँ पे, तो कितना है पहले x के पावर 4, क्यूब वाला टर्म नहीं है तो लिखते हैं 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 हो गया। दिक्कत नहीं भाई साहब। देखिए जो gx है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले 2 को बाद में, तो ये हो जाएगा एक माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2। देखिए मैंने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो एक्स स्क्वायर तो है लेकिन एक्स के पावर 1 कहाँ है, तो लिखेंगे यहीं पे प्लस 0 इंटू एक्स। अब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कोशेंट और रिमाइंडर दोनों आ जाएंगे। समझ में आया? चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है, चेक whether द फर्स्ट पॉलिनामियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनामियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनामियल बाय द फर्स्ट पॉलिनामियल। तो हमको चेक करना है कि जो सेकंड पॉलिनामियल है, जो फर्स्ट पॉलिनामियल है, वो सेकंड पॉलिनामियल का फैक्टर है कि नहीं है। और कैसे चेक करना है, By dividing, divide करके चेक करना है, by dividing the second polynomial by the first polynomial, यानी second polynomial को first polynomial से divide करके चेक करना है। अच्छा बताइए factor कब होता है, जब remainder क्या आ जाएगा, 0। ये जो t square minus 3 है, ये इस polynomial का factor तभी होगा जब divide करे और remainder कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो हम लोग को नॉर्मली जैसे पहले क्वेश्चन में डिवाइड करिए वैसे ही करना है, बस चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आया? ऐसे सबको करना है, तीनों को। तो हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं,
हम लोग कर देते हैं सेकंड से स्टार्ट करते हैं, पहला सिंपल है, हम लोग सेकंड को स्टार्ट करते हैं और थर्ड को करेंगे, सेकंड को और थर्ड को। चलिए राइट करते हैं हम लोग। तो यहां पे कितना है, 3x^4 5x³ - 7x² + 2x + 2 और डिवाइड करना है एक्स क्यूब। देखिए डिवाइड किससे करना है, यहाँ पे जो पॉलिनामियल था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x + 1 है, एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, तो बनाते हैं उसको। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 0 × x² और प्लस 3x + 1 हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक्स क्यूब में किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ बन जाए, देखिए एक्स क्यूब में किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ बन जाए, तो 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x से। तो 3x और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ प्लस 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 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0x³ और प्लस 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 और 9x² प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस लिखेंगे और ये आ जाएगा 3x हो जाएगा। समझ में आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबका साइन बदलेंगे, ये कट जाएगा, 5x³ में से 0x³ जाएगा तो कितना आएगा, 5x³ ही आएगा, और दोनों माइनस में है तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, माइनस में 16x² ये हो जाएगा, सही है। और फिर 2x और 3x, देखिए 2x प्लस में है, 3x माइनस में, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स और नोट करेंगे किसको, प्लस 2 को। समझ में आया, बहुत सिंपल था। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे 5x³ है, तो इस एक्स क्यूब में किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x³ आ जाए, तो प्लस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5x³ प्लस 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 0 × 0x² प्लस 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 5 × 3 = 15x और प्लस 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 ये आ जाएगा 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 कटिंग, 16x² यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 16x² माइनस एक्स माइनस 15x, ये कितना हो जाएगा, माइनस 16x हो जाएगा, क्लियर। और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस 3, क्योंकि प्लस 2 है माइनस 5 तो माइनस 3, तो हमारा इतना क्या आ गया, रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर आ गया, जीरो नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट पॉलिनामियल है वो सेकेंड का फैक्टर नहीं है। समझ में आया, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, सेकेंड बहुत ही ईजी था, तो हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ ए दिस पॉलिनोमियल, क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसी तरीके से उसको भी अरेंज कर देते हैं और आप लोग खुद से कर लेंगे। तो फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड था, सेकंड का थर्ड करेंगे और फिर थर्ड पे आ जाएंगे। तो पहले होता है कि अरेंजमेंट, अरेंजमेंट अगर आपका सही होगा तो गलत तो होना नहीं है। यहाँ पे x⁴ - 4x³ + x² + 3x + 1 है, लेकिन x⁵ के बाद x⁴ नहीं है ना, तो यही तकलीफ है कि हम लोग 4 बनाएंगे इसको अब। तो x⁵ माइनस, ये प्लस कर लेते हैं, 0x⁴ माइनस 4x³ और प्लस 3, ये प्लस में क्या है, x² भी तो है, हाँ ये है x² और प्लस 3x और हो जाएगा प्लस में 1, ये हो गया। अब डिवाइड करना है x³ माइनस 3x + 1, तो यहाँ पे 3 है, 2 वाला टर्म नहीं है, तो बनाएंगे, तो लिखेंगे क्या, x³ प्लस 0 × x² माइनस 3x + 1 हो जाएगा,
समझ में आया। अब करते हैं एक्स क्यूब में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स के पावर 5 आएगा, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो यहाँ पे एक्स के पावर 5 प्लस 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 0x के पावर 4 ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3x क्यूब प्लस 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 यहाँ पे एक्स स्क्वायर। चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कटेगा और साथ में ये भी कट जाएगा, समझ में आया। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि देखिए 4x क्यूब है और यहाँ पे प्लस 3x क्यूब है, सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस एक्स क्यूब, और ये x स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा, जीरो। इसको लिख सकते हैं प्लस में 0x स्क्वायर, और नोट करेंगे प्लस 3x को और साथ में 1 को भी नोट कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर। चलिए अब देखिए एक्स क्यूब यहाँ पे है, एक्स क्यूब यहाँ पे है, तो एक्स क्यूब में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 0x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। चलिए फिर करते हैं, वन सेकेंड, कहीं पे तो हम लोग मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ट्राई कर लेते हैं भाई साहब, गलत ना हो जाए। हाँ सही है, तो जब प्लस करेंगे तो ये प्लस ये प्लस ये माइनस, तो ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा तो वन वन कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, समझ में आया। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट होता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। हमको इस जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके सारे जीरोस को निकालना है, समझ में आया। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस, अगर इसके दो जीरोस आर क्या है, एक है अंडर रूट में 5/3 और एक है माइनस अंडर रूट में 5/3, यानी इसके दो जीरोस हमको दिए गए हैं और सारे जीरोस को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉलिनामियल है उसका डिग्री कितना है, 4। जब डिग्री 4 है तो कितने जीरोस निकलेंगे, मैक्सिमम 4 निकलेंगे, यानी दो दिया है, दो और निकल सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया, तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। दिया है सिंस अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट में 5/3 बी फैक्टर फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसको क्या मान लेंगे, पी एक्स क्या मान लेंगे, ये क्या है, पी एक्स के फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा, सो क्या लिखेंगे, सो जब ये और ये इसके फैक्टर है, ये और ये इसके जब जीरोस हैं, जीरोस मतलब x की वैल्यू, x इक्वल टू एक इतना है, x इक्वल टू एक इतना है, देखिए एक है x इक्वल टू अंडर रूट में 5/3 है और एक है x इक्वल टू माइनस अंडर रूट में 5/3 है। बोला है कि x इक्वल टू इतना एक जीरोस है, x इक्वल टू इतना एक जीरोस है, अगर ये x इक्वल टू इतना जीरोस है तो इसको जब इधर लाएंगे तो x माइनस अंडर रूट 5/3 ये जो है इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, और अगर इसको लाएंगे तो x प्लस अंडर रूट में 5/3 भी जो होगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करके हम लोग इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ आएगा और वो भी क्या रहेगा, इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, समझ में आया, इसी पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे ये बोल दिया जाए, वन सेकेंड,
जैसे हम लोग 80 ले लेते हैं, 80 तो 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 कितना हो गया 20, और इतना कर लिए 8 times, चलो 4 times कर लिए, 10 × 2 = 24 = 80 आ गया। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई, देखिए बोला गया कि 2, 10, 4, 80 के क्या है, फैक्टर है, 2, 10, 4, 80 के क्या है, फैक्टर है, या फिर समझ लीजिए 4 यहाँ पे नहीं है, चलिए ठीक है, अच्छा 2, 10, 4 जो है 80 के क्या है, फैक्टर है, और अगर इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 × 4, तो क्या 20 80 का फैक्टर नहीं होगा, वो भी तो होगा फैक्टर। तो ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर 4 zeros हैं, तो 2 zeros को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 zeros का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। समझ में आया, फिर से 80 को 2 × 10 × 4 ऐसे हम लोग राइट करते हैं, राइट तो और भी तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से राइट करते हैं, तो बोल यहाँ पे समझिए 2 और 10 क्या है, इस 80 के फैक्टर हैं, 4 भी है, बस 2, 10 को समझते हैं, 2, 10 क्या है, 80 के फैक्टर हैं, लेकिन जब 2, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, तो क्या वो 80 का फैक्टर नहीं होगा, वो भी तो 80 का फैक्टर होगा। तो ऐसे ही ये दोनों जब इस पॉलीनोमियल के फैक्टर हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, इसी पॉलीनोमियल का फैक्टर होगा। तो सो एक्स माइनस अंडर रूट में 5/3 एंड एक्स प्लस अंडर रूट में 5/3 बी फैक्टर, ये जीरोस होना चाहिए ना, बी जीरोस लिखना है यहां पे, जीरोस। सो इतना एंड इतना आर फैक्टर ऑफ px, ये दोनों क्या हो जाएंगे, px के फैक्टर हो जाएंगे। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी x माइनस ये x अंडर रूट में 5/3 x माइनस अंडर रूट में 5/3 मल्टीप्लाई x प्लस अंडर रूट में 5/3। तो बताइए मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी बन रहा है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी x की जगह पे a है, a की जगह पे x है, तो x स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस 5/3 कितना आ गया, 3 आ गया, माइनस 5/3 कितना आ गया, 3 आ गया। अगर इसी को सिंप्लीफाई कर लें, इसी को क्या कर लें हम लोग, सिंप्लीफाई कर लें, तो जब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो समझिए वो कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 5 और टोटल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3। टोटल डिवाइड कितने से हो जाएगा, 3 से डिवाइड। तो हमारे पास ये px था, ये क्या था, gx है, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये है हमारा gx है, समझ में आया, और वो क्या है, px है। और देखिए जब फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, हमारा सिर्फ क्या आएगा, कोशियंट आएगा, क्या आएगा, कोशियंट आएगा। तो क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इस साइड को मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग इसको नोट करते रहेंगे तो। अब हम लोग करते क्या है, देखिए px इक्वल टू क्या होगा, px इक्वल टू होता है gx इंटू कोशियंट, यानी कि कोशियंट को लिखते हैं qx और रिमाइंडर को क्या लिखते हैं, r x। तो यहां पे देखा जाएगा तो हियर, यहां पे आर एक्स की जो वैल्यू है वो होगा 0, और पी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, और जी एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, समझ में आया, तो पी एक्स की वैल्यू और जी एक्स की वैल्यू दे दिया गया। अब देखिए अगर हमको क्यू एक्स निकालना है, अगर रिमाइंडर को 0 करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स, और ये हो गया 0। अगर हमको क्यू एक्स निकालना है तो क्यू एक्स अगर हमको निकालना है तो पी एक्स में वो जी एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड, पी एक्स में जी एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग, जी एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब चलिए हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि पी एक्स पूरा हमारा इतना हो गया, पूरा पी एक्स हो गया हमारा, चलिए पी एक्स को पी एक्स लिख लिए, और जी एक्स कितना है, जी एक्स है 3x² - 5 टोटल अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 3x² - 5 टोटल अपॉन में 3,
और यही थ्री जब ऊपर जाएगा, यही थ्री जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3px डिवाइड बाई हो जाएगा 3x² - 5। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3x² - 5। अब px में 3 का मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, कोशेंट आ जाएगा। और जो कोशेंट आएगा उसी को फैक्टराइज करके दो जीरोस को और हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं आगे। तो यहां पे ब्रैकेट, पहले यहां पे क्या लिखेंगे, अंदर 3px को इससे डिवाइड करना है। तो px में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जा 9x⁴, 6 जा 18x³, 23 जा 6x² 10 जा 30x और -5 जा 15 आ जाएगा। अब इसी को डिवाइड करना है 3x² - 5 से, क्या करना है, डिवाइड करना है। समझ में आया, चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पे पावर 4 है, देखिए यहाँ पे 3x² - 5 है लेकिन पावर x वाला नहीं है, x के पावर 1 नहीं है जिसको बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे 3x² + 0 × x - 5। अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 3x² में किससे मल्टीप्लाई करें कि 9x⁴ बन जाए, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3x² से। तो ये 3 जा 9x⁴ प्लस 0x³ प्लस माइनस और ये 5 जा 15x² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 18x³, ये आ जाएगा और एक माइनस में एक प्लस में सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस में आएगा 9x² - 30x। 30x को नोट कर लेते हैं, क्लियर, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए कि 3x² में किससे मल्टीप्लाई करें कि 18x³ आ जाए। तो 6 3 = 18 होता है तो यानी कि प्लस 3 हो, 6 हो गया और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है तो x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x³, देखिए 3 6 = 18 x² × x³ प्लस 0 × 6 0 और ये हो जाएगा x² माइनस और 6 5 = 30 x हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस ये और ये प्लस, तो ये भी कटेगा तो 9x² और इसको अगर लिखना चाहें तो प्लस 0x और -15 को ऐसे राइट कर देते हैं। अब बताइए 3x² है और यहाँ पे 9x² है तो प्लस 3 बार जाते हैं, कितनी बार, प्लस 3 बार जाते हैं, 3 3 = 9x² 0 × 3 करेंगे तो प्लस में 0x और माइनस कितना आ जाएगा 15, माइनस प्लस करेंगे तो सारे क्या होंगे, कट के कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, सारे कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि px = क्या होता है, gx * rx और gx कितना है 3x² - 5, क्या हो जाएगा 3x² - 5 और gx हो गया rx, वो qx कितना है, वो सॉरी ये था px = gx और qx कितना आया है 3x² + 6x प्लस कितना है 3 है। तो ये हो गया, अब हमको फैक्टर निकालना है तो इन दोनों से अगर फैक्टर निकालेंगे तो 5√3 आएगा, एक माइनस में एक प्लस में आएगा, समझ में आया। तो अगर हमको फैक्टर निकालना है तो चलिए इसे कॉमन कर लेते हैं, इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3x² - 5 और यहाँ पे आ जाएगा x² + 2x + 1
और ये बनेगा 3x² - 5 और यहाँ पे रह जाएगा a² + b² + 2ab, तो x + 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, इतना हो गया। अब px = इतना आ गया, अगर हमको जीरो से निकालना है तो px = क्या करना होगा, जीरो करना होगा, तो जीरो ये आ जाएगा 3x² - 5 ब्रैकेट में x + 1 का होल स्क्वायर = 0। इसको जीरो करेंगे तो हमारा दो जीरो जो है वही आएगा, तो यहाँ पे करते हैं x + 1 का होल स्क्वायर = 0 करेंगे, तो x + 1 और x + 1 = 0 होगा, तो x = मिलेगा -1, -1, यानी दो जीरोस क्या होंगे, -1, -1, और दो ठू हमको पता है, दो ठू क्या है अंडर रूट में 5/3 और एक है प्लस माइनस में अंडर रूट 5/3, तो एक आ जाएगा और दो ठू आ जाएंगे -1, -1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फोर हमारे सामने है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई ए पॉलिनामियल जी एक्स। हम इस पॉलिनामियल को एक पॉलिनामियल जी एक्स से डिवाइड करते हैं, देन कोशेंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 and -2x + 4। जब हम लोग इस px को gx से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोशेंट x - 2 आता है और रिमाइंडर कितना आता है -2x + 4 आता है, तो बताइए gx कितना होगा। चलिए पहले हम लोग राइट कर लेते हैं, हमारे पास px कितना है, px है x³ - 3x² + x + 2 है। अब बताइए gx नहीं पता है, gx को पता करना है, तो ये gx क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे qx कोशेंट यानी कि qx कितना दिया है, x - 2 दिया है, और रिमाइंडर कितना दिया है, rx जो है वो है -2x + 4 दिया हुआ है। क्लियर। अब डिवीजन एल्गोरिथम से आपको पता है कि px = क्या होता है, qx * gx और प्लस क्या हो जाएगा rx। सभी वैल्यू को इसमें रखते हैं, तो px कितना है, x³ - 3x² + x + 2 = qx कितना है, x - 2 और इंटू gx रखते हैं, और rx कितना है, -2x + 4 है। समझ में आया, अगर हमको gx निकालना है तो इसको इधर लाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो जब उसको इस साइड लाएंगे तो x³ - 3x² + x + 2 - (-2x + 4) और चलिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं x - 2 और इनटू क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - 3x² + x + 2 और -2x - 4 ये हो गया। और अब x - 2 से डिवाइड कर देते हैं, x - 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। चलिए अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x³ है तो इसको राइट करते हैं x³, 3x² है तो माइनस में है, 3x² हो गया, +x + 2x मिलके कितना हो जाएगा, +3x + 2 - 4 मिलके कितना होगा, -2, और इसी को x - 2 से डिवाइड करना है। समझ में आया, तो क्या आ जाएगा, gx। तो इस पॉलिनोमियल को इस x - 2 से डिवाइड करके आप लोग gx को निकाल लेंगे। समझ में आया, कुछ नहीं है। और रह गया क्वेश्चन नंबर 5,
और क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो वो जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपको खुद ट्राई करना है, खुद समझ के एग्जाम्पल को सोचना है कि अगर डिग्री इतना इज इक्वल टू इतना होगा तो एग्जाम्पल हमारा क्या सेट होगा। आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट, फिर मैं बता दूंगा। और हाँ, एक बात आपके लिए, और अगर आपको कमेंट नहीं करना चाहते, अगर आपका कमेंट रीड नहीं होता, तो आप लोग वो मैं हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन होने के बाद आप लोग मैसेज कर देंगे तो मैं तुरंत मैसेज करेंगे तो 2 मिनट के अंदर आपका आंसर मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।